हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो के ज़्यादा शेयर करें। तो प्रदेश में नंबरदारों की नई नियुक्तियों पर रोक। जी हाँ, हरियाणा प्रदेश है जो उसमें नंबरदारों की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो पूरी जानकारी आपको मैं बता देता हूँ क्या कुछ अपडेट आई है। ये रोहतक से अपडेट आई है। ये तो गांव में बेहद प्रतिष्ठित माने जाने वाले नंबरदार लंबरदार की नई नियुक्तियों पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी। इस बारे में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी उपायुक्त को सोमवार को पत्र भेज दिया है, क्योंकि डीसी ही नए नंबरदारों की नियुक्ति के निर्णय पर अंतिम मोहर लगाते हैं। तो नई नियुक्तियों पर रोक क्यों लगाई गई है, इस बारे में विभाग के अधिकारी टिप्पणी से बच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, सभी उपायुक्तों को भेजा पत्र, नंबरदारों के पद खत्म करने की तैयारी में है सरकार। तो पद पत्र में यह दिया है हवाला, हालांकि नियुक्तियों पर रोक लगाने को, नंबरदारों के पद खत्म करने को प्रक्रिया माना जा रहा है। सोमवार को जारी किए गए पत्र में सौरभ नंबरदार का हवाला देते हुए नियुक्ति तुरंत रोक लगाने के बारे में जिला सत्र के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। करीब 23,375 नंबरदार इन्होंने बताया है। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के करीब 6,000 से अधिक गांवों में करीब 23,375 नंबरदार हैं। इनको हर माह 3,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा नहरी पानी की उगाही का कुछ प्रतिशत हिस्सा भी इन्हें मिलता है। अब सरकार की सोच है कि डिजिटल युग में इनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे में इनके पदों को ख़त्म किया जाए। वहीं वह जब ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते समय भी नंबरदार द्वारा व्यक्ति की पुष्टि करना अनिवार्य नहीं रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया है। और भी कुछ बताया है, अंग्रेजों के समय से ही नियुक्ति, अंग्रेजों के ज़माने से ही नंबरदारों की नियुक्ति होती आ रही है, क्योंकि अंग्रेजी शासन व्यवस्था सरकार के पास नंबरदार ही एक ऐसी व्यक्ति गांव में होता है जिसके ज़रिए सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। यह व्यवस्था अब तक चली आ रही है। इसके द्वारा दी गई गवाही उच्चतम न्यायालय में भी मान्य होती है। तस्दीक के अलग ही मायने आते हैं। कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरपंच की गैर हाजिरी में नंबरदार द्वारा दस्तखत का सत्यापन किया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आई थी फ्रेंड्स, जो नंबरदार प्रदेश में नंबरदारों की नई नियुक्ति होने पर रोक लगा दी गई हरियाणा सरकार की तरफ से। तो इससे संबंधित ये बड़ी अपडेट आई थी फ्रेंड्स। आपकी क्या राय इसके प्रति आप कमेंट के जरिए जरूर बताना फ्रेंड्स। तो ये बड़ी अपडेट आई थी, आपके साथ शेयर करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।